दे आर फॉर्म ऑन टू एमिनो एसिड्स नेमली एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टली बाय द एडिशन ऑफ अनदर एमिनो ग्रुप टू ईच, जैसे कि CONH2 है। देखिए CONH2 एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप इसके अंदर होता है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा क्या होता है, अमोनिया ग्रुप होता है, और कब बनते हैं जब एस्पार्टिक एसिड के अंदर एक एक्स्ट्रा NH2 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एस्पार्जिन, और जब एक ग्लूटामिक एसिड के अंदर एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूटामिन। समझ में आ गया, ये एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप जुड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका एस्पार्टिक एसिड से जब एक एक्स्ट्रा अमोनिया जुड़ा तो एस्पार्जिन बन गया, तो सीओ यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ गया, तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा एमाइड ग्रुप होता है, इसलिए ऑलरेडी एक NH2 ग्रुप होता है इसके अंदर, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। एक ग्लूटामिक एसिड से एक NH2 जुड़ा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामिन में। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एमाइड ग्रुप होता है जो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम मॉड्यूल ऑफ सम प्लांट लाइक ए सोयाबीन दे एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज ए यूरिएट्स। मतलब कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होती है ना, कल बताया था ना ट्रांसपिरेशन पुल बताया था, कई बार क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल की तरह जब पूरा का पूरा वाटर जब नीचे से ऊपर आता है सोयाबीन में, तो कई बार एक नाइट्रोजन का एक फॉर्म होता है यूरिएट, वो भी ऊपर आ जाता है, और यूरिएट्स आने की वजह से उन प्लांट में नाइट्रोजन अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनके अंदर हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो होता है यूरिएट्स के अंदर, इसलिए सोयाबीन के अंदर प्रोटीन का कंपोनेंट अच्छा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो यूरिएट्स के फॉर्म में होता है, राइट? ओके, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये देखिए आपका, यहाँ पर जो ग्लूटामिन और एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन और एस्पार्जिन के साथ देखिए अमाइड ग्रुप जुड़ गया, ये यहाँ पर तो ऑलरेडी तो था ही बेटा, ऑलरेडी तो था ही, ये एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया इसके साथ में, अमाइड ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। ओके सॉरी, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू एमिनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टली बाय एडिशन ऑफ अनदर एमिनो ग्रुप टू ईच। मतलब ये कब बनते हैं, जब उसको एक्स्ट्रा एक एमिनो ग्रुप दे देते हैं। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड रिप्लेस बाय द अनदर NH2 रेडिकल, मतलब जो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है, अब देखिए अगर किसी से आप जोड़ रहे हो तो एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा ना आपने, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक रिएक्शन से एक कंपाउंड डिस्प्लेस होकर दूसरा कंपाउंड जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उसे एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है तो हाइड्रोक्सिल पार्ट को, हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH पार्ट, उसको जोड़कर एक नया NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, और उस तरीके से ये जाइलम वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, दैट इज अबाउट द ट्रांसएमिनेशन। समझ में आ गया, बस यही था आपका, खत्म। इसे समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो ये नोट कर लेते बता जल्दी सर, बस ये ध्यान रखने के लिए, एक्स्ट्रा और उसमें से कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ याद करना पड़े, नोट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज मेरी तरफ से चैप्टर खत्म, मिनरल न्यूट्रिशन। कल हम शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हालांकि इट्स अ टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक, उसमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर खत्म हो गए, कल शुरू करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स, ओके, मतलब प्लांट डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, बस यही पढ़ना है आपको। कर लिया? ओके,
गया सर। हाँ तो आगे लिखो बेटा, ये भी नोट कर लिया? यस सर। ठीक है चलिए एम ओके, बस आगे लिखते पढ़ते हैं। ओके पहले ये लिखिएगा बेटा, पहले ये लिखिएगा, हाँ बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि एमाइड ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है ये बना लीजिए पहले आप, ठीक है ये मत बनाना, ये जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाया हुआ है ना ये मत बनाना, बस ये बना लीजिए ठीक है, ताकि आपको ये बस ये पता रहे कि एमाइड ग्रुप कौन से। हाँ हाँ लिख लो, वो भी लिख लो आपको, तो आपके मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे वो तो आपको करना है ना बेटा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। क्या हुआ? अच्छा ये लिख लिया था ना आपने, तो एक काम करिए बस ये लाइन रहने दीजिए, लिख लिया आपने तो ये लिख लिया, डायग्राम बना दीजिए सिर्फ आपको वाला, अगर आपने ये लिख ये तो रहने दीजिए, ये वाला डायग्राम बना दीजिए फटाफट। ओके सर। ओके बना लिया। ओके चलिए आगे लिखेगा, ये लिख लीजिएगा। ओके नंबर रहने दीजिए, नंबर थोड़े गलत आ रहा है, ये नंबर रहने दीजिएगा ठीक है, नंबर रहने दीजिए, बस ये लिख लीजिएगा। लास्ट टाइम बचिए करीब करीब, अगर आपको एक साल ड्रॉप करना हो तो कहाँ से करोगे, कोटा जाएंगे आप? तो पड़ेगा बेटा, अगर जाना साथ है तो आपके सारे क्लासमेट्स हैं, अगर जा रहे हैं साथ में चले जाना उनके साथ, तो दिक्कत आपका फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स पड़ जाएगा ना, तो ये दिक्कत देगा आपको ट्वेल्थ के साथ। इलेवन की कंप्लीट और भी केमिस्ट्री अच्छी आती है, अच्छे से आती है फिजिक्स अच्छी है आपकी, लॉकडाउन हो गए ऊपर नीचे हो गए ना वो सब के साथ हुआ सर। ओके ओके कर लिया बेटा आपने नोट? ठीक है ठीक है, बस एक लास्ट पैराग्राफ और लिखना है, उसके बाद ये चैप्टर करेंगे। हाँ हाँ करिए करिए। ओके इसमें है ना ये ट्रांसएमिनेशन हटा देना, ये ट्रांसएमिनेशन में नहीं आता है, ये अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा है ठीक है, ये ट्रांसएमिनेशन का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा नोट है, ये एक्स्ट्रा नोट में डाल दीजिएगा इसको। चलिए विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज ओवर।
ठीक है, इजी इजी चैप्टर से। अब हालांकि आपके जो टफ चैप्टर थे हमने काफी हद तक कवर कर लिए। आपको किन टॉपिक में डाउट है? ओके, पूछिएगा पूछिएगा। सर हो गया। ठीक है बेटा। ओके सो योर चैप्टर इज ओवर। ओके योर चैप्टर इज ओवर। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, प्लांट की ग्रोथ होती क्या है, उसको वैरायटी ऑफ फैक्टर से डिफाइन किया गया है, कैसे मेजर कर सकते हो, क्या क्या फेजेस आती हैं, ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ग्रोथ का। हालांकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लाइक दिस सेम जैसा मिनरल न्यूट्रिशन था। ओके एंड लाइक इसमें हॉर्मोन्स हैं, प्लांट हॉर्मोन जिसको फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं, तो फाइटो हॉर्मोन जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सीड जर्मिनेशन क्या होती है, डॉर्मेंसी क्या होता है, ओके इसके अलावा वर्नलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कल एक नया टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे। राइट, सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, कुछ पूछना है आपको? इशित प्रणय कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बेटा, अगर आप नहीं पूछना तो आप यू आर अलाउड टू गो, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, प्रणय कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बेटा, अभी आप जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।